देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज को घंटा दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक। सनराइजर हैदराबाद की लगता तीसरी हार, मुंबई इंडियंस ने 13 रन से दी मात। जैसे कि दोस्तों बता दें आपको, नौवें मुकाबले में मुंबई इंडियंस द्वारा मिले 151 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर हैदराबाद की टीम ने 137 पर ही ऑल आउट हो गई। मुंबई की यह मैच 13 रनों से जीत लिया है। मैच में 150 रनों का लक्ष्य बचाव करते हुए मुंबई के गेंदबाज ने शानदार बॉलिंग के बदौलत हैदराबाद को 151 रन भी नहीं बनाने दिया। मुंबई इंडियंस द्वारा मिले 151 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने शानदार शुरुआत की थी। हैदराबाद ने दोनों ओपनर से पहले पावर प्ले में जमकर चौके छक्के उड़ाए और इसी के साथ ही हैदराबाद के आसानी से यह मैच जीतने लगे। और हालांकि इन्होंने इनका पहला विकेट गिरा, वैसे ही पूरी ताश पत्तों की पलट गई। हैदराबाद के मिलते अधिक रन से जानी बेनिस्टो ने 22 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 43 रनों की पारी खेली थी। बेनिस्टो के अलावा हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने 34 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के की मदद से 36 रन बनाए। इसके साथ ही दोनों ही बल्लेबाज के अलावा सिर्फ विजय शंकर ही मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का सामना थोड़ा संघर्ष किया और विजय शंकर ने 25 गेंदों में 2 छक्के और 28 रन बनाए। इसी के साथ ही ट्रेंट बोल्ट ने 3-3 विकेट के सामना करे। जसप्रीत बुमराह भी